एंड पीनट बटर जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको कंज्यूम करने के लिए आपको। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितेश एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड जो पुराने हैं वो भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम पीनट बटर के बारे में एंड पीनट बटर के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे एंड कुछ क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। एंड पीनट बटर जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको कंज्यूम करने के लिए आपको कुछ लोग सुजेस्ट भी करेंगे या फिर आप इस टाइम कंज्यूम भी कर रहे होंगे। एंड जो हमारा पीनट बटर है वो बनता है जो भी हमारे रॉ पीनट्स होते हैं जिनको हम मूंगफली बोलते हैं उनको रोस्ट करके फिर अच्छे से ग्राइंड करके हमें एक बटर की फॉर्म में दिया जाता है तो वहाँ से बनता है। एंड जो पीनट बटर है इसमें हमें तीन बड़ी चीज़ें मिल रही हैं जो कि हैं, एक तो हमें हेल्दी सैचुरेटेड फैट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है एंड लो कार्ब्स मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करें अनसैचुरेटेड फैट की, तो इसमें हमें मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मिल रहे हैं। एंड जो हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैट है इसमें एक ऑलिक एसिड नाम का एसिड मिल रहा है जो कि हमारे इंसुलिन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, उसको अच्छा रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि कुछ लोगों का जो है इंसुलिन अच्छा नहीं रहता है, फिर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर वो पीनट बटर जो है वो काफ़ी हेल्प करता है उसको अच्छा रखने के लिए। एंड जो हमारा पॉली है वो हमारे जो भी इन्फ्लेमेंटेशन होता है उसको अच्छा रखने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। एंड सेकेंड हम बात करें प्रोटीन की, तो हमारा जो पीनट बटर होता है इसमें काफ़ी हाई प्रोटीन होता है इसमें क्योंकि ये हाई इन प्रोटीन सोर्स है हमारे जो भी फूड नट्स होते हैं उनमें। एंड जो जैसे कि मान लीजिए हम 100 ग्राम पीनट बटर कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 30-35 जो है प्रोटीन मिल जाता है इसमें जो कि काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है। एंड जो हमारा इसमें प्रोटीन है इसमें जो हमें एसिड मिल रहा है वो मिल रहा है हमें अमीनो एसिड, एंड अमीनो एसिड जो हमारे मसल बिल्डिंग को ले लीजिए या फिर मसल रिकवरी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये अमीनो एसिड। एंड थर्ड चीज़ जो है वो लो कार्ब्स इसमें मिल रहे हैं हमें क्योंकि कुछ लोगों को काव से दिक्कत होती है या फिर काव्स नहीं लेना होता या फिर फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे होते हैं या फिर वो जो है कैलोरी डेफिशिएंट में होते हैं, तो वो कहाँ वहाँ जो वो पीनट बटर होता है वो वहाँ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड थर्ड बाकी जो इसमें हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं एंड मल्टी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। विटामिन्स की बात करें तो इसमें हमें विटामिन B1, B2, B3 ये सब मिल रहे हैं या B12 जैसे विटामिन मिल रहे हैं इनमें। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें विटामिन मिलता है इसमें वो मिलता है हमें विटामिन ई, एंड विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। एंड जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं जिंक एंड मैग्नीशियम मिनरल्स मिल रहे हैं इसमें। एंड जो जिंक एंड मैग्नीशियम है जो भी हमारी मसल रिकवरी को ले लीजिए या फिर हमारी ब्रेन हेल्थ को ले लीजिए या फिर ब्रेन फंक्शनिंग या फिर जो भी हमारी रिकवरी की नीड्स है हमारी बॉडी के लिए वो सब जो है वो जिंक एंड मैग्नीशियम वो पूरी करते हैं हमारी बॉडी रिकवरी एंड ब्रेन हेल्थ को लेकर। एंड अल्टरनेटिव्स की बात करें तो इसके अल्टरनेटिव्स में आपका जो भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पीनट बटर ही कंज्यूम करना है, आप रॉ पीनट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, आपको सेम ही बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि आपको पीनट बटर में मिल रहा है। एंड साथ ही साथ आप बाकी के नट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं जैसे कि आलमंड हो गया, वॉलनट्स हो गया, अदर नट्स हो गए वो कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑलिव ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हैं, इन सब में आपको अदर ओमेगा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, वो सेम ही न्यूट्रिएंट्स आपको पीनट्स में भी मिल रहे हैं। एंड जो पीनट है वो काफ़ी चीप हो जाते हैं एंड बाकी के नट्स एंड ऑलिव ऑयल आपको काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप पीनट ही रॉ पीनट्स ही कंज्यूम कर सकते हैं। एंड अगर आप बाकी के नट्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं या फिर पीनट बटर नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट रॉ पीनट्स ही कंज्यूम करें, आपको सेम ही बेनिफिट्स मिलेंगे पीनट बटर के ही और अदर नट्स के मुकाबले। एंड बाकी बात करें कि आपको कौन सा पीनट बटर प्रोडक्ट यूज़ करना है कौन सा नहीं, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे हैं एंड बहुत सारी साइट्स हैं। सबसे पहले बात करें साइट्स की तो आपको न्यूट्राबे एंड हेल्थ कार्ड इनसे जानवर प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इन पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं
पीनट बटर के। तो आपको जो हेल्दी पीनट बटर के प्रोडक्ट हैं, सबसे पहला एंड बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो है माई प्रोटीन का, सेकंड आ गया मसल ब्लेज का, थर्ड आ गया MB का, फिर न्यूट्राबे का अपना है, हेल्थ कार्ड का भी अपना है, एंड इस तरह के जिन जिन प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ रॉ पीनट्स ज़्यादा हैं, एडेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, वो पीनट्स बटर आपको कंज्यूम करने हैं एंड या फिर बाय करने हैं। तो उनको कंज्यूम करिए एंड बाय कीजिए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पीनट्स ही हैं, रॉ पीनट्स ही हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो वर्कआउट वीडियो रहेगी जिसमें हम सिर्फ 2-3 एक्सरसाइजेस करेंगे, बट एक्सरसाइज की अच्छे से उनकी कैसी फॉर्म कर मतलब पोजेस वो सब अच्छे से करेक्ट करें कैसे करना है वो सब जानेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू उस वीडियो को देखने के लिए।